हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडेप्शंस फॉर फूड। टू बी एबल टू गेट फूड, एनिमल्स हैव डेवलप्ड सर्टेन कैरेक्टर्स और एडेप्शन। वी कैन कीप देम इन फोर ग्रुप्स। हम एडेप्शन फॉर फूड्स को फोर ग्रुप्स में कन्वर्ट करेंगे। एनिमल्स के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं ताकि वो फूड को क्या कर सकें, ले सकें, फूड को ले सकें। फर्स्ट है हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस ये सब हमने क्लास थर्ड में पढ़ लिया है, कार्निवोरस, हर्बीवोरस। इस बारे में हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे। हर्बीवोरस एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली आर नोन एज हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट को ही लेते हैं। जिराफ, जीब्रा, काउ, बफेलो, कोट एंड हॉर्स आर प्लांट ईटर्स। जिराफ है, जीब्रा है, ये सब क्या है, प्लांट्स को ही फूड बनाते हैं या वेजिटेरियन होते हैं ये, इनको कहते हैं हर्बीवोरस। दे हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड। उनको बहुत ही ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है फूड के लिए, फूड की सर्च के लिए, फूड की तलाश में। सो दे पोज स्ट्रॉन्ग लेग्स, शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्लाइडिंग टिथ हेल्प देम टू इन ईटिंग ग्रास। इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल करना होता है, तो इनके जो लेग्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनकी शार्प टिथ होते हैं, शार्प कटिंग टिथ होते हैं, शार्प कटिंग टिथ, स्ट्रॉन्ग राइडिंग टिथ उनको घास खाने में मदद करती है। द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ हेल्प्स इन ईटिंग लीव्स फ्रॉम हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। जिराफ जो है वो क्या करता है, अपनी जो उसकी गर्दन लंबी होती है, उसकी नेक क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग होती है। वो क्यों होती है, ताकि वो ट्रीज के ऊपर से लीव्स खा सके, ट्रीज की जो हाई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज है वहां से क्या कर सके, लीव को ले सके। द कैमल स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प एंड वाटर इन स्पेशल सेल ऑफ स्टमक। कैमल क्या करता है, कैमल स्टोर करके रखता है किसको, वाटर को, कहाँ पे, अपने हम्प में। कैमल का एक हम्प होता है, आपने देखा होगा वहाँ, यहाँ पे वो क्या करता है, वाटर को अब्सॉर्ब करके रखता है। इनके पास एक स्पेशल सेल्स होती है अपने स्टमक में। इट हैज टू ट्रेवल इन डिजर्ट इन स्कैर्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर। इट यूजेस दिस फैट एंड वाटर। डेजर्ट एनिमल्स हैव थिक ड्राई स्किन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय इवोपरेशन। जो डेजर्ट एनिमल्स हैं उनकी स्किन कैसी होती है, थिक होती है, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। उनकी स्किन थिक क्यों होती है, ताकि ये सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहें और इवोपरेशन का प्रोसेस जो है वो इनके कम हो सके। अगर इनकी पतली स्किन रहेगी तो ये जल्दी थक जाएंगे। वाटर जो है इनकी बॉडी में है वो क्या होगा, वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है। नेक्स्ट है कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस एनिमल्स। एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, यानी कि मीट, फ्लैश यानी कि स्किन है, मांस है, वो खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। दे हैव पॉइंटेड टीथ। उनके टीथ कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और बीक्स टू टियर फ्लैश। लायंस, टाइगर्स, कैट एंड डॉग्स आर कार्निवोरस मैमल्स। कार्निवोरस कौन कौन है, कैट है, डॉग है, लायंस है, टाइगर्स है। ईगल, वल्चर्स एंड पेंगुइन आर कार्निवोरस बर्ड्स। बर्ड्स में भी बहुत सारे कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस क्या है, जो एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोरस। शार्क इज अ कार्निवोरस फिश। फिश में कौन है कार्निवोरस, शार्क। डॉग्स एंड कैट्स ईट फ्लैश बट कैन ऑल्सो टेक ब्रेड एंड मिल्क। डॉग्स और कैट जो है वो फ्लैश भी खाते हैं और ब्रेड भी खाते हैं, मिल्क भी लेते हैं। दे लीक मिल्क, वाटर एंड अदर लिक्विड विद देयर हेल्प ऑफ लॉन्ग टंग्स। आपने किसी डॉग को वाटर पीते हुए देखा होगा, वो किसकी मदद से करता है, उसकी लॉन्ग टंग जो है उसकी मदद से वो क्या करता है, वाटर को लेता है। ईगल एंड वल्चर हैव स्ट्रॉन्ग क्लोज टू कैच द प्रे एंड शार्प बीक्स टू टियर इट्स फ्लैश।
ईगल और वल्चर जो है वो क्या करते हैं, उनके पास जो शार्प स्ट्रॉन्ग क्लेव है वो उससे क्या करते हैं, वो एनिमल को पकड़ लेते हैं और उसके फ्लैश को चबा लेते हैं। पेंगुइन लिव इन अंटार्कटिक रेजिंस, दे आर अबाउट 1 meter टॉल। ये पेंगुइन जो है वो कैसे होते हैं, 1 meter टॉल होते हैं। दे डू नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते, बट यूज देयर शॉर्ट स्ट्रॉन्ग विंग्स एज फ्लिपर फॉर स्विमिंग। पेंगुइन जो है वो क्या कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते, लेकिन जो उनके छोटे छोटे विंग्स होते हैं वो उसका यूज किस लिए करते हैं, वो उसका यूज स्विमिंग के लिए करते हैं, तैरने के लिए करते हैं। दे डाइव इन टू द कोल्ड सीज एंड कैच फिश, वो क्या करते हैं, कोल्ड सीज में जाते हैं और फिश को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट कैन फीड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर नोन एज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस कौन है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। बियर क्रो एंड कॉकरोच ईट आर ओमनीवोरस एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द मैंस टीथ आर कटिंग एंड ग्राइंडिंग लाइक हर्बीवोरस। He has only 2 pairs of tearing teeth in between cutting and grinding teeth, which cannot be used for tearing like carnivorous. Moreover, carnivorous do not have cutting teeth. Hence, man is herbivorous by nature, but some men have become omnivorous. Man's जो है, जो हम इंसान हैं, उनके पास क्या है? Cutting teeth जो है, वो नहीं है। हमारे पास कैसे टिथ हैं, हमारे पास कटिंग टिथ है और ग्राइंडिंग टिथ है। हमारे फ्रंट के टिथ जो हैं वो कटिंग है और पीछे के जो हैं वो ग्राइंडिंग टिथ है। हम ओमनीवोरस नहीं है क्योंकि हमारे पास जो टियरिंग टिथ है वो नहीं है। ओमनीवोरस जो है एंड ओमनीवोरस एनिमल्स में टियरिंग टिथ अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, लेकिन मेंस में नहीं होता है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो हैं वो ओमनीवोरस बन चुके हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज पैरासिटिक्स। मॉस्किटोज, लीच, वर्म्स, फ्लीज एंड टेपवर्म एटसेट्रा आर पैरासिटिक्स। पैरासिटिक्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक एनिमल्स कहलाते हैं। जो दूसरे एनिमल्स के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एडेप्शन फॉर प्रोटेक्शन। एवरी एनिमल वॉन्ट्स प्रोटेक्शन। हर एनिमल्स को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। एनिमल प्रोटेक्ट themselves in many ways. Animals क्या करते हैं, खुद को protect करते हैं। Flight. Animals like frog, house fly and fish move very fast to escape from the enemies. Flight जो animals, flight type के जो animals हैं वो क्या करते हैं, frog है, house fly है, वो क्या करते हैं, fish है, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव करके, यानी कि फास्ट जाके क्या करते हैं, छुप जाते हैं अपने एनिमी से। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, विंग्स और फिन्स एंड कैन जंप। उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, विंग्स होते हैं और फिन्स होते हैं और वो क्या करते हैं, जंप कर लेते हैं। फ्लाई और स्विम अवे, वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं या स्विम कर लेते हैं। एनिमल्स लाइक डियर, रैबिट्स एंड बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय देयर एबिलिटी टू रन और फ्लाई। जो डियर, रैबिट्स, बर्ड्स है, आप लोगों ने बर्ड्स देखा होगा, जब भी हम बर्ड्स के पास जाते हैं तो वो क्या होती है, उड़ जाती है, क्योंकि उसको क्या लगता है, उसको हमसे खतरा लगता है, वो हमसे, हमको एनिमी समझती है कभी कभी, तो वो क्या करती है, फट से उड़ जाती है। इसी तरह से एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिग साइज। सम एनिमल्स आर वेरी बिग सो दैट दे यूजुअली कैन नॉट बी ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, व्हेल और एंड हिप्पोस। बिग साइज के एनिमल्स जो हैं, जो एलिफेंट है, हिप्पोज है, वेल मछली है, वो क्या है, उनको छुपने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनको कोई भी एनिमल्स खा नहीं सकता है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिमिक्री और कैमोफ्लेज। मिमिक्री इज द
resemblance of animals, so their natural surroundings giving some protection from enemies. Some animals can hide because of their color, features matching or mixing with their surroundings. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जब उनको एनिमीज से खतरा होता है तो वो क्या करते हैं, अपने जैसी चीज, जैसे कि कोई क्या है, इंसेक्ट्स है, वो किसे कलर का है, ग्रीन कलर का है. अब उसको कोई एनिमीज से खतरा है तो वो क्या करेगा, लीफ पे जाके बैठ जाएगा. लीफ ग्रीन कलर की होती है और इंसेक्ट्स भी ग्रीन कलर का है, तो वो क्या होगा, नजर नहीं आएगा. जैसे कि जो पोलर बियर है वो व्हाइट कलर के होते हैं और आइस में क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं, जिससे वो दिखाई नहीं देते हैं. नेक्स्ट है कलर चेंजिंग एनिमल्स. कलर चेंजिंग इज शोन बाय सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन एंड फ्रॉग. दे हाइड इन द सराउंडिंग बाय चेंजिंग देयर कलर अराउंडिंग्स अकॉर्डिंगली. आप लोगों ने अपने आजू बाजू में गिरगिट देखा होगा, वो क्या करता है, अपने अपने एरिया के हिसाब से या अपने आजू बाजू के एरिया के हिसाब से वो क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है. उसके चेंज करने से क्या होता है, वो एनिमीज को नजर नहीं आता है और वो बच जाता है. कभी कभी तो हमें भी नजर नहीं आता है वो. हाइबरनेशन. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड, सो दे गो फॉर विंटर स्लीप नॉन एज हाइबरनेशन. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उनके क्या होती है, विंटर स्लीप होती है, जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन. दे रिमेन अंडरग्राउंड. वो अंडरग्राउंड में जाके क्या करते हैं, छुप जाते हैं. दैट इज वाई नॉन लिजर्ड इज सीन इन आवर हाउसेस इन विंटर्स. हमारी ठंड में हम लिजर्ड को नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड में छुप जाती है, वो ज्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे यूज द स्टोर्ड फूड इन देयर बॉडीज. इस दौरान वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर करके रखते हैं वो उसका यूज करते हैं. माइग्रेशन. सम एनिमल्स मेनली बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मथ. This process is called migration. They return, however, when the surrounding become suitable for them. Birds और कुछ animals जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूरी तक चली जाती है food की search में और घर warmth की search में. Warmth का मतलब गर्मी. गर्मी की तलाश में और food की तलाश में वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा travel कर लेती है. इसको बोलते हैं migration कहा जाता है इसको. वो return कब होती है, जब जैसे कि हम हमारे घर से क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो हम क्या करते हैं, अंदर ही रहते हैं, घरों के अंदर ही रहते हैं. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब भी हम क्या करते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं. हम घरों से बाहर कब निकलते हैं, जब बाहर का टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है, सूटेबल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, तब हम क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं. इसी तरह से जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब उनके सूटेबल बॉडी को सूटेबल हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर सूट करने लग जाता है, तभी वो क्या करते हैं, वापस रिटर्न होते हैं. अदरवाइज वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेवल कर लेते हैं. आपका फिफ्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. आज के लिए इतना ही. क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. तब तक आप उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसे एक बार अच्छे से समझेंगे. थैंक यू.